आइए दोस्तों, आज बात करते हैं स्वयं ऐप के बारे में जो कि MHRD द्वारा बनाया गया है। सबसे पहले उसको इंस्टॉल करने के लिए अपन जाते हैं प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में देखो, यहाँ पे इस स्पेलिंग में SWAYAM के नाम से इसको ओपन अपने को टाइप करना है। टाइप करने के बाद उसको इंस्टॉल करना है। मैंने इंस्टॉल कर चुका है, इसलिए इसमें इंस्टॉल हो गया है। अब इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग को इसको ओपन करना है। ठीक है, ओपन करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, साइन इन विद सोशल अकाउंट, या अगर पहले से साइन इन है तो इसमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालो, या फिर यहां से अपने करना है साइन अप नाउ, तो नीचे जो दिया वहां से साइन अप कर लीजिए। साइन अप करोगे तो ये आएगा फोल्डर। ठीक है, अब इस फोल्डर को पूरा फिल अप करना है, अपना यूजर नेम बनाना है, अपना न्यू पासवर्ड डालना है, ठीक, फिर से उस पासवर्ड को एक बार डालना है, अपना ईमेल टाइप करना है, फिर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, उस कोड को अपने को टाइप करना है। ठीक है, डिस्प्ले में इसका नाम किस नाम से रखना है इसको अपने को देखना है। ठीक है, इसको फिलअप करने के बाद सबसे पहले अपने को यहाँ पे अपना यूजर नेम जिस नेम से आप रखना चाहेंगे, पासवर्ड डालना है। पासवर्ड जो होता है 8 कैरेक्टर को होना चाहिए कम से कम, नंबर कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल डालना है। ईमेल डालने के बाद उसको अपने को क्या करना है, उसमें कोड आएगा, उस कोड को अपन खोल लेंगे, जाकर के देखते हैं। यहाँ पे कोड आया होगा, कोड से अपन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कोड आया अपने को, इस कोड को वहां पे अपने को पुट करना है। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे अपने को आगे की प्रोसेस करना है, उसके लिए यहाँ पे अपना क्रिएट करना है। क्रिएट में अपना इसको करेंगे, यहाँ पे आएगा, देखिए अब ये स्टार्ट हो रहा है, इसको स्टार्ट होना है अपने को। यहाँ पे सेव जो करना है आप कर सकते हैं, यहाँ से आप लॉग इन हो गए। इसके बाद इसके अंदर अपने को अलग अलग कोर्स कैटलॉग मिलेगा, कोर्स सर्च करना जो अपने को चाहिए। यहाँ पे आप लॉग इन हो चुके हैं। अब लॉग इन होने के बाद का प्रोसेस है, इसके बाद इसके अंदर देखिए जो जो चीज है, कम्प्लीटेड कोर्स है जो चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, ICT इनिशिएट कोर्स है। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखा है लर्न एनीथिंग एनीवेयर। ठीक, इसके यहाँ पे देखें कोर्स कैटलॉग, कोर्स कैटलॉग खोलेंगे, इसके अंदर दिया AICT के बारे में दिया है, आर्किटेक्चर के बारे में दिया है, अनदर प्रेशर प्रोग्राम दिया, जो जो यहाँ पे प्रोग्राम चल रहे उसके बारे में दिया है। ठीक है, इसके बाद नीचे दिया है कोर्स सर्च, यहाँ पे कोर्स सर्च करके जो ऑप्शन है कोर्स सर्च, इस कोर्स सर्च में जाकर के अपन देखते हैं। यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं कुछ भी, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे टाइप किया मैकेनिकल। ठीक है, मैकेनिकल टाइप करने के बाद यहाँ पे हम लोग राइट करते हैं, यहाँ पे ये सर्च करेगा, इससे रिलेटेड जो NPTEL का जो कोर्स होगा उसके बारे में यहाँ पे जानकारी मिलेगा। इसी प्रकार दूसरे ब्रांच का भी जो जो यहाँ पे प्रोग्राम होगा वो यहाँ पे मिल जाएगा। इसको खोले, सपोज अपने को इंट्रोडक्शन टू मैकेनिकल माइक्रो मशीनिंग के बारे में जानकारी करना है, इसको क्लिक कर लो, यहाँ पे इसके बारे में पूरा आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो आपकी जरूरत है, जो कंटेंट चाहिए यहाँ से ले सकते हैं। अब देखिए अपने को कोर्स कैटलॉग कैसे ओपन करना है। कोर्स कैटलॉग ओपन करने के लिए सबसे पहले कोर्स कैटलॉग में जाना है। कोर्स कैटलॉग जाने के बाद यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में जाओगे। उसके बाद सब ब्रांच के बारे में अलग अलग दिया है। सपोज हम बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल एनर्जी यहाँ ओपन हो रहा है, ओपन होने के बाद हम देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो इसमें लिखा है अपकमिंग एनरोलमेंट ओपन। तो अगर कुछ प्रोग्राम है चालू होना है तो उसके लिए यहाँ पे एनरोलमेंट करना है, नहीं तो यहाँ पे देखिए बगल में जो हो चुका है, जो एनरोलमेंट क्लोज हो चुका है उसके बारे में है। सपोज यहाँ पे अपने को कोई भी चीज जानना है, यहाँ पे दिया सीम के बारे में, यहाँ पे दिया है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर के बारे में। ठीक है, तो कोई भी कोर्स जो हो चुका है वो यहाँ पे अवेलेबल है, उसके बारे में हम लोग यहाँ से जान सकते हैं। सपोज यहाँ पे अपने चाहिए हीट ट्रांसफर के बारे में, तो यहाँ दिया है कंडक्शन एंड कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। इसके लिए हम क्या करेंगे, जा करके इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ यूट्यूब में इंट्रोडक्शन वीडियो दिया है, नीचे इसके बारे में जानकारी दिया है। तो ये जितने भी दिए हैं यहाँ पे, ये अलग अलग कोर्स है जो हो चुका है। इन कोर्स के लिए जैसे 12 वीक हो गए, 8 वीक के लिए अलग अलग कोर्स यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है। जैसे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसमें ओपन करते हैं तो अभी इसमें देख रहे हैं, देखिए ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद इसमें देखो अपकमिंग एनरोलमेंट ओपन, इसमें लिनक्स AWK बेस, ये 12 वीक का जो कोर्स है, ये 6 वीक का है, ये सब अभी स्टार्ट है, इसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं। ICT को कंडक्ट करा रहा है, ये नॉट अवेलेबल है, इसमें क्या क्या करना है इसके बारे में यहाँ पे दिया है, तो इसको अपन ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे देखिए ज्वाइन दिया है। ठीक है, जिसके में जो ब्रांच का होगा, CS का है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच में बेस, लिनक्स AWK, ये 6 वीक 12 वीक, इस सब में भी अपना भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओपन है और ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है,
और भी इस तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।